गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। चलो जल्दी से अपना जिस चैप्टर कर लेते हैं खत्म। सो लास्ट टॉपिक है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जो अपना लास्ट टॉपिक बचा है वो अपने पास है मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। यानी आज अपने को ये पता लगाना है कि किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या रही होगी, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या रही होगी। इसको पता करने के लिए अपने पास चार चीजें नेसेसरी आती है। देखो, कोई भी रिएक्शन अगर किसी भी पाथवे से हो रही है तो अपन ने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि एनर्जी कंसिडरेशन को अपने को लेके चलना है। यानी रिएक्शन मैकेनिज्म को अगर अपन डिटरमाइन करना चाहते हैं तो पहली चीज है कि अपन एनर्जी की पाथवे को लेके चलेंगे। यानी रिएक्शन उसी पाथवे से होगी जहां पर मैक्सिमम एनर्जी जो है वो रिलीज हो। उसके बाद सेकंड चीज अपने को ये ध्यान रखनी है कि जिस भी पाथवे से अपन जा रहे हैं उस पाथवे के अंदर अपना जो रिएक्शन का इंटरमीडिएट बनने वाला है वो भी स्टेबल हो। रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो स्टेबल बने, उसी पाथवे से अपन रिएक्शन को फॉलो करेंगे। तीसरी चीज अपने को इस रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में जो ध्यान रखनी है वो ये है कि रिएक्शन से रिलेटेड, उससे मिलती जुलती जो भी रिएक्शन हो उन रिलेटेड रिएक्शंस के ऊपर अपन वो मैकेनिज्म को अप्लाई कर सके। यानी कि रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर अपन किसी भी एक रिएक्शन के लिए कोई भी मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं तो अपने को ये ध्यान रखना होता है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन को उससे मिलते जुलते रिएक्शंस के ऊपर भी अपन अप्लाई कर सके। चौथी चीज जो अपने को ध्यान रखनी है वो है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। यानी किसी भी रिएक्शन के लिए अपन जो मैकेनिज्म ड्रॉ कर रहे हैं वो मैकेनिज्म प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रायोगिक परीक्षणों पर भी खरी उतरनी चाहिए। यानी उसके प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन अपने जो थ्योरेटिकल मैकेनिज्म है उससे मैच करने चाहिए। इन चार चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन किसी भी रिएक्शन के मैकेनिज्म को ड्रॉप कर सकते हैं। तब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपने पास जो मेथड आएंगे उन मेथड में देखो अपने को कौन कौन से मेथड्स पढ़ने हैं। पहला मेथड अपने पास आएगा प्रोडक्ट एनालिसिस का। यानी कि अपने को उत्पाद का विश्लेषण करके ये पता लगाना है कि रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या रही होगी। सेकेंड जो अपने पास आएगा अपन पढ़ेंगे स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट, यानी कि त्रिविम विज्ञान अपन उसका पढ़ेंगे और उसके आधार पर ये देखेंगे कि रिएक्शन के मैकेनिज्म क्या रही होगी। अगला अपन देखेंगे उसके इंटरमीडिएट की पहचान करके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट के थ्रू अपन ये पता लगाएंगे कि अगर रिएक्शन के अंदर ये मध्यवर्ती बन रहा है तो रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होकर के पूरी हुई होगी। चौथा अपन बात करेंगे उसके काइनेटिकल एस्पेक्ट की, कि अगर उस रिएक्शन का अगर अपन गति की अध्ययन करें, उसकी रासायनिक बल गतिकी का अध्ययन करें तो क्या उसके आधार पर अपन रिएक्शन की क्रियाविधि पता कर सकते हैं। और पांचवा और लास्ट जो अपन पढ़ेंगे वो आएगा आइसोटॉपिक इफेक्ट, कि क्या अपन कोई आइसोटॉप काम में लेकर के उस रिएक्शन के मैकेनिज्म की स्टडी को कर सकते हैं क्या। तो जल्दी से अपन शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक प्रोडक्ट एनालिसिस। तो देखो ये जो अपना प्रोडक्ट एनालिसिस वाला टॉपिक है इसमें अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक जनरलाइज रिएक्शन ली है। इस रिएक्शन के ऊपर अपन एक न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोक्साइड आयन का अटैक करवाएंगे और बनने वाले दो जो अपने पास प्रोडक्ट है वो ये हैं। इन प्रोडक्ट के एनालिसिस से अपने को ये पता चला कि ये जो प्रोडक्ट है वो 15% बन रहा है और ये जो प्रोडक्ट है वो 85% बन रहा है। तो अब ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा अमाउंट में बन रहा है, इसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये अपन पता करेंगे, जिससे कि अपने को उसकी मैकेनिज्म जो है वो पता चल जाएगी। कैसे, देखो इस रिएक्शन में देखो इसमें अपने को साफ नजर आ रहा है कि 3 डिग्री अपने पास जो ग्रुप है उस पर आकर के हाइड्रोक्सी जुड़ा है। जबकि यहाँ अगर अपन नोट करें तो ये जो हाइड्रोक्सी है वो जहां से क्लोराइड गया है वहीं पर आकर के जुड़ा है। तो इससे अपने को साफ साफ एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ रीअरेंजमेंट जैसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अपन ट्राई करते हैं, अपने को पता है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इस तरफ ही जाएंगे और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कारण क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी जो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट अपने पास बन करके आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है, CH2 और इस पे आ गया अपना कैटायन। अब देखो इस कैटायन पे जैसे अपने पास जैसे ही कैटायन बन के आया ये हाइड्रोक्साइड आयन इसको अप्रोच कर सकता है और अगर ये रीअरेंज होने की पॉसिबिलिटी रखता होगा तो रीअरेंजमेंट से जो नया अपने पास कैटायन बन के आएगा उसको भी ये न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर सकता है। तो सबसे पहले अपन इसका रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। देखो है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, ये डबल बॉन्ड जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रखता है, रिच पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं।
पहली क्लास याद करो जिसमें अपन ने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स को देखा था, वही तो बन गई है यहाँ पर। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स के थ्रू अपने को नजर आ रहा है कि यहाँ से नया डबल बॉन्ड बन चुका है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका है। क्या नुकसान और फायदा होगा? यहाँ पर जो कैटायन अपने पास बन के आ रहा है वो एक 1 डिग्री कैटायन है, और यहाँ अपने पास जो कैटायन बन के आ रहा है वो एक 3 डिग्री कैटायन है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर तो अपन ने इंडक्टिव इफेक्ट से निकालना सीखा ही था, रेजोनेंस से भी अपन ने सीखा था। 1 डिग्री कैटायन और 3 डिग्री कैटायन के अंदर से ज्यादा स्टेबल होता है आपका 3 डिग्री कैटायन, और रिएक्शन तो हमेशा उसी पाथवे से होकर के जाएगी ना जहाँ से प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल बने। तो अपने को पता चल गया कि इस रिएक्शन के अंदर एक 3 डिग्री कैटायन बन के आने वाला है, और इसी 3 डिग्री कैटायन से अपना ये 85% वाला प्रोडक्ट बनेगा, और इस 1 डिग्री कैटायन से अपना ये 15% वाला प्रोडक्ट बन करके आएगा। तो इस तरीके से अपने को रिएक्शन की मैकेनिज्म पता चल जाती है कि रिएक्शन के अंदर कौन सा इंटरमीडिएट बना होगा, रिएक्शन कौन से पाथवे से होकर के गुजरी होगी। ये प्रोडक्ट एनालिसिस अपन इस तरीके से पढ़ते हैं। सेकंड मेथड को अपन करते हैं शुरू। सेकंड जो अपने पास का मेथड है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट यानी कि मध्यवर्ती की पहचान। देखो, अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट अपने पास बनकर के आ रहा है उसके बारे में अपने को पता चल जाए तब भी अपन रिएक्शन का पाथवे डिसाइड कर सकते हैं। मान लो मेरे पास रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट बन के आ रहा है वो एक स्टेबल इंटरमीडिएट है, और दूसरी कंडीशन में लेकर चल रही हूँ कि वो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, कम स्थाई या अस्थाई इंटरमीडिएट अपने पास बन करके आ रहा है। अगर वो स्टेबल इंटरमीडिएट है तो अपन उसको रिएक्शन को स्लो करेंगे, और रिएक्शन को स्लो करके उस इंटरमीडिएट की स्टडी करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, और उसके आधार पर पता लगा देंगे कि रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या रही होगी। जैसे इसमें अगर अपन एग्जांपल की बात करें तो अपन एक वेल नोन रिएक्शन पढ़ी है, हाफमैन रिएक्शन। हाफमैन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, अपन एमाइड लेते हैं, इन एमाइड को अपन रिएक्ट करवाते हैं Br2 के साथ, रखते हैं बेस की प्रेजेंस, Br2 और NaOH ये सब मिलकर के तो सबसे पहले एक अपना कंपाउंड बनाते हैं NaOBr, जो अपना रिएजेंट होता है जो कि अटैकिंग स्पीशीज होती है। इस रिएक्शन के अंदर प्राइमरी एमीन बन के आती है, और रिएक्शन का इंटरमीडिएट अगर आप लोगों को याद हो तो वो नाइट्रीन इंटरमीडिएट था, जो अपने सेकेंड या थर्ड लेक्चर के अंदर डिसाइड किया था। अपने जहाँ रिएक्टिव इंटरमीडिएट पढ़े थे लेक्चर थर्ड, वहां पर अपन ने देखा था कि नाइट्रीन इंटरमीडिएट बन करके आता है इस टाइप की रिएक्शन के अंदर। तो अगर मेरे को ये पता चल गया कि रिएक्शन जो है वो नाइट्रीन इंटरमीडिएट के थ्रू हो रही है तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को अपन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मेरे पास जो इंटरमीडिएट है वो अनस्टेबल है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, यानी कि अपन स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू अपन ये पता करेंगे कि उस रिएक्शन की मैकेनिज्म के अंदर जो इंटरमीडिएट बन के आया था वो कौन सा रहा था, या फिर अपन उसको ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। मान लो मेरे पास में डाई एजो मैथेन है CH2N2, इसको अपन हीट करते हैं, हीट करने पे यहाँ से इंटरमीडिएट बन के आता है जो भी अपन ने पहले डिसाइड किया हुआ है, कार्बिन इंटरमीडिएट यहाँ अपने पास बन के आता है, और ये N2 गैस एलिमिनेट हो जाती है। इसको अगर मुझे ये नहीं पता, अपने को ये पता है कि इसका ऑक्टेट जो है वो कम्प्लीट नहीं है, केवल सिक्सटेट में है, हाईली अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, ये जल्दी से किसी और के साथ रिएक्ट कर लेगा। तो मैंने क्या किया, इस रिएक्शन के अंदर साइक्लोहेक्सीन को डाल दिया। साइक्लोहेक्सीन को अगर इस रिएक्शन पर डाल दिया तो ये जो CH2 है, अपना कार्बीन है, ये अपने दोनों बॉन्ड के जो दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको यहाँ शेयर करेगा इस डबल बॉन्ड के साथ में, नया बॉन्ड बना के कुछ इस टाइप के स्पाइरो कंपाउंड बनाएगा। यहीं पे तो है अपना CH2, तो इस स्पाइरो कंपाउंड का बनना ये प्रूफ कर देता है कि इस रिएक्शन के अंदर CH2 रहा होगा। वरना खुद ही सोचो ना कि ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के ऊपर ये साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन कब पॉसिबल है, जब ये दोनों डबल बॉन्ड जिस कार्बन से जुड़े हैं वो कार्बन एक ही हो, तभी तो ये साइक्लिक रिंग बन सकती है। और ऐसा कब हो सकता है, जब जो आपका इंटरमीडिएट हो वो एक साथ दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाए, और एक साथ दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाला कार्बनिक इंटरमीडिएट केवल और केवल कार्बिन हो सकता है। तो कार्बिन के साथ ही ये रिएक्शन की मैकेनिज्म पॉसिबल हो पाती है, और इस तरीके से अपन इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को ड्रॉप कर पाते हैं। सेकंड मेथड अपना आइडेंटिफिकेशन और इंटरमीडिएट यहाँ हो जाता है खत्म। शुरू करते हैं अगला टॉपिक। देखो, अगला जो अपने पास टॉपिक आता है वो आता है आइसोटॉपिक इफेक्ट, यानी अपन क्या करें किसी एक इंडिविजुअल एटम का दूसरा आइसोटॉप ले ले और उस आइसोटॉप के द्वारा रिएक्शन के मैकेनिज्म को पता कर सके। इससे क्या होने वाला है, देखो आइसोटॉप जो होते हैं अपने को पता है उनका केमिकल बिहेवियर तो सेम ही होता है, रासायनिक व्यवहार उनका सेम है, यानी इस केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर मैं कोई भी आइसोटॉप काम में लेती हूँ, जैसे मैं हाइड्रोजन का आइसोटॉप काम में लेने वाली हूँ, ड्यूटेरियम टाइटेरियम कोई सा भी अपन ले सकते हैं, तो अगर मैं कोई भी आइसोटॉप काम में लेती हूँ तो रिएक्शन तो नहीं बदलेगी,
प्रोडक्ट तो अपना वही बनेगा क्योंकि केमिकल नेचर तो चेंज होता नहीं है, पर रिएक्शन का रेट जो अपनी वेलोसिटी है वो बदल जाएगी, क्योंकि आइसोटॉप्स जो होते हैं उनका द्रव्यमान, उनका मास, उनका भार जो होता है वो अलग अलग होता है। अब अगर द्रव्यमान अलग अलग है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के होने का जो वेग है वो बदल जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया हैवी आइसोटॉप को लेने के ऊपर कम हो जाएगी, वेलोसिटी उसकी घट जाएगी, और वेलोसिटी घटने के कारण अपने को पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है वो कौन से पाथवे से हुई होगी। तो अपन क्या करें, पहला एग्जांपल जो अपन ले रहे हैं आइसोटॉपिक इफेक्ट के अंदर, एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ से अपने पास क्वेश्चन भी आता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये अपना। प्राइमरी आइसोटॉपिक इफेक्ट या सेकेंडरी आइसोटॉपिक इफेक्ट में से अपने को एक डेफिनेशन पूछी जाती है, ये क्या होता है। प्राथमिक आइसोटॉप प्रभाव जो है वो क्या होता है वो देख लेते हैं अपन। मान लो मैंने ये केमिकल रिएक्शन लिया जिसके अंदर ये इस टाइप का एक कंपाउंड अपने लिया है, ये अल्कोहल अपने को नजर आ रहा है कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसका अगर अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन बन के आएगा। यहाँ मैंने क्या करा है, जिस कार्बन का ये कार्बन ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तो अपन तोड़ने वाले हैं ना, यानी जिस बॉन्ड को अपन क्लीव करने वाले हैं उसी कार्बन पर जो हाइड्रोजन है अगर मैं इसको चेंज करवाती हूँ किसी आइसोटॉप के थ्रू, यानी मैं बात कर रही हूँ कि अगर मैंने इस जो अपना एल्कोहल है इस एल्कोहल के अंदर H की जगह पर D काम में ले लिया, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप काम में ले लिया, तो रिएक्शन तो अभी भी यही होगी, इसके ऑक्सीडेशन से अभी भी कीटोन बनेगा, पर ये जो रिएक्शन है इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी इसके कंपेयर में। और अगर वेलोसिटी कम हो गई तो अपन उस रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि का पता कर सकते हैं। तो अगर अपन जिस कार्बन का बॉन्ड क्लीव होने वाला है, जिस कार्बन पर रिएक्शन के थ्रू प्रोडक्ट बनने वाला है, उसी कार्बन से जुड़े हुए एटम का आइसोटॉप लेते हैं तो उसे अपन कहते हैं प्राइमरी आइसोटॉपिक इफेक्ट। इसके कंपेयर में अगर देखो इस बार अगर मैं KOH के साथ में रिएक्ट करवा रही हूँ एक हैलाइड को, तो अपने को पता है बॉन्ड यहाँ से क्लीव होने वाला है, ये बॉन्ड जब यहाँ से क्लीव होगा तो उस कंडीशन में अपने पास प्रोडक्ट ये बन के आएगा कि ब्रोमाइड जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा हाइड्रोक्साइड आयन के थ्रू। इसमें मैंने क्या किया कि इस बार जिस कार्बन का बॉन्ड क्लीव होने वाला है उसका तो कुछ चेंज नहीं करा, पर उससे जुड़े हुए कार्बन के अंदर मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन की जगह पर ड्यूटेरियम लगा दिया, हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटॉप लगा दिया। तो देखो बॉन्ड ये वाला क्लीव होने वाला था, अपन ने जो चेंजेस किए वो इस कार्बन से जुड़े हुए कार्बन पे आइसोटॉप को चेंज करा है, क्या इससे रिएक्शन की वेलोसिटी इफेक्ट नहीं होगी? होगी। अगर इससे भी रिएक्शन की वेलोसिटी अपनी इफेक्ट हो रही है और अपन ने जो चेंजेस लाया है वो सेकेंडरी कार्बन पे लाया है, जो बॉन्ड क्लीव होने वाला है उससे जो जस्ट अगला कार्बन आने वाला है उस कार्बन पे अपन ने ये इफेक्ट लाया है, इसीलिए अपन इसको सेकेंडरी आइसोटॉपिक इफेक्ट बोलते हैं। यानी प्राइमरी आइसोटॉपिक इफेक्ट में तो क्या होने वाला है, जो कार्बन बॉन्ड क्लीव होने वाला है उसी कार्बन पे अपन दूसरा आइसोटॉप काम में लेंगे, और सेकेंडरी आइसोटॉपिक इफेक्ट में अपन क्या करने वाले हैं, जो जिस कार्बन का बॉन्ड क्लीव होने वाला है उस कार्बन का सेकेंडरी कार्बन यानी कि उसके पास वाला कार्बन अपन काम में लेंगे और उसका बॉन्ड जो है वो क्लीव करेंगे। इस तरीके से अगर अपन रिएक्शन की जो वेलोसिटी है उसको कम कर देते हैं तो अपन रिएक्शन के मैकेनिज्म को पता कर सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया अपना आइसोटॉपिक इफेक्ट भी खत्म। अब देखो अब अपने जो अगले दो इफेक्ट बचे हैं काइनेटिक स्टडी और स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट, उन दोनों के लिए अपने को कॉमन एग्जांपल लेना है जो अपन लेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म का। ये दोनों ही मैकेनिज्म मैंने आपसे डिस्कस की हुई है, मैकेनिज्म जब अपन ने पढ़ी थी, कार्बनिक रिएक्शन के टाइप जब अपन ने पढ़े थे उस वक्त ये दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने आपसे डिस्कस करी थी। एक बार फिर से अपन इसको जल्दी से देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में अपन ने ये बोला था कि अगर ये जो कार्बन है इसके साथ कोई भी X जुड़ा हुआ है, अपन इसके ऊपर सबसे पहले जो अपना पहला स्टेप होता है उसमें बॉन्ड को तोड़ते हैं, वो स्लो और RDS स्टेप होता है, और इस स्लो और RDS स्टेप के अंदर एक कार्ब कैटायन अपने पास बन करके आता है। कार्ब कैटायन इंटरमीडिएट का बनना SN1 मैकेनिज्म की पहचान है। उसके बाद अगले स्टेप में जो अपना न्यूक्लियोफाइल होता है वो आकर के इसको अप्रोच कर जाता है, और फाइनली अपने पास में इस कार्बन पे ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ करके आ जाता है। क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज स्पीशीज जुड़ रही है तो ये वाला जो स्टेप है वो अपना फास्ट स्टेप होता है, और स्लो और RDS स्टेप के अंदर अपना एक्स माइनस बाहर निकल जाता है। सेकेंड अगर अपन SN2 मैकेनिज्म की बात करें तो उसमें सबसे पहले एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यानी कि इसी के ऊपर आपका न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है, बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक मतलब ये X वाला बॉन्ड क्लीव होने लगता है और ये जो न्यूक्लियोफाइल वाला बॉन्ड है वो बनने लगता है। इस ट्रांजिशन स्टेट के टूटने के कारण अपने पास फाइनली न्यूक्लियोफाइल जाकर के जुड़ जाता है और अपना
एक्स माइनस बाहर निकल जाता है। ये दो रिएक्शन के मैकेनिज्म अपने को देखनी होती है। इसमें अपने को पता है कि ये जो स्टेप है वो अपना स्लो और आरडीएस स्टेप होता है, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट का बनना स्लो मैकेनिज्म के अंदर काउंट होता है, स्टेबल नहीं होती है। तो अब इन दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म के आधार पर ही अपन काइनेटिक और जो स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट है उसको पढ़ने वाले। देखो, अगर मैं बात करूँ काइनेटिक एस्पेक्ट की, यानी मेरे को बात करनी है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मुझे ये पता चल गया कि इस अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है या 2 है, तो मैं उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को कैसे पता करूंगी। यानी कि अगर अपन इस पहले स्टेप की बात करें, SN1 रिएक्शन की बात करें, तो आरडीएस स्टेप को देखो, इसके अंदर अपनी जो रेट है वो केवल और केवल इस एक मॉलिक्यूल, जो अपना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, RX मॉलिक्यूल है, इसकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। यानी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 1। और अगर अपन इस SN2 रिएक्शन की बात करें, तो इस RDS स्टेप के अंदर अपने को नजर आ रहा है कि ये दो मॉलिक्यूल अपने पास है। यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन के लिए रेट की बात करूं, तो वो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करती ही है, एज वेल एज जो अपना न्यूक्लियोफाइल है उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ से तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा 1 और यहाँ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा 2। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया की गतिकी का अध्ययन करने पर अपने को ये पता चल रहा है कि अभिक्रिया की कोटि अलग आ रही है, एक आ रही है या दो आ रही है, तो अपन ये पता लगा लेंगे कि वो जो रासायनिक अभिक्रिया है वो SN1 मैकेनिज्म से पूरी हुई थी या फिर SN2 मैकेनिज्म से यहाँ पर पूरी हुई थी। उसके बाद बचा अपना स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट। स्टीरियो केमिकल स्टडी जब अपन करते हैं, त्रिविम रसायन को जब अपन पढ़ते हैं, तो उसमें अपन क्या देखते हैं कि अगर इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पर एक कार्ब कैटायन बन के आ रहा है और कार्ब कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन, कार्ब धनायन का संकरण हमने इंटरमीडिएट वाले लेक्चर के अंदर निकाला था, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन या sp2 संकरण का मतलब क्या हो गया, प्लेनर स्ट्रक्चर है, और प्लेनर स्ट्रक्चर के ऊपर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर अपने पास sp2 की है, त्रिकोण या समतलीय संरचना। तो इस त्रिकोण या समतलीय संरचना पर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो दोनों साइड से अगर अटैक कर पा रहा है, तो यानी यह पॉसिबिलिटी क्या हुई, 50% तो ये पॉसिबिलिटी है कि जहाँ से ये CX वाला बॉन्ड टूटा है, ये X जिस जगह से जा रहा है उसी जगह पर आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी इसके बैक साइड से आकर के अपने को जो न्यूक्लियोफाइल है वो अप्रोच कर जाए। दोनों पॉसिबिलिटी 50-50% है। यानी ये भी हो सकता है कि कॉन्फिगरेशन जो है वो इन्वर्ट हो जाए, उसका इन्वर्जन यानी कि प्रतिपन देखने को मिल जाए, और ये भी हो सकता है कि जो कॉन्फिगरेशन है उसको अपने को रिटेंशन देखने को मिल जाए, कॉन्फिगरेशन वैसा का वैसा ही देखने को मिल जाए। और अगर 50-50% दोनों के चांसेस होते हैं, तो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बन के आता है उसको अपन बोलते हैं कि वो रेसेमिक मिक्सचर है, रेसेमाइजेशन उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं, रेसेमीकरण प्रक्रिया अपन बोलते हैं, और रेसेमिक मिश्रण अपने पास बन करके आता है। यानी अगर SN1 रिएक्शन है तो अपने को जो प्रोडक्ट है उसमें रेसेमिक मिक्सचर देखने को मिलेगा। इसके उल्टा अगर SN2 रिएक्शन है तो अपने को दिख रहा है बैक साइड से अटैक हो रहा है। सीधी सी बात है, जो बॉन्ड टूटने वाला है, जिस साइड से बॉन्ड टूटने वाला है, उस साइड से तो अप्रोच कर नहीं सकता। अगर मुझे चोरी छुपे घर से बाहर निकलना है, तो जिधर से सामने से कोई आ रहा है उस साइड से तो मैं जा ही नहीं सकते ना, चोरी चोरी जाना है, तो चोरी चोरी जाने के लिए क्या करेंगे, घर के पीछे वाला रास्ता यूज करेंगे, और पीछे वाला रास्ता यूज करने का मतलब ये हो गया कि इस बार कॉन्फिगरेशन उलटने वाला है, बदलने वाला है, उल्टा होने वाला है। इस कंडीशन में अपने को हमेशा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन देखने को मिलेगा, विन्यास का प्रतिपन देखने को मिलेगा, और विन्यास का जो प्रतिपन है इसका मतलब रिएक्शन के मैकेनिज्म SN2 है। तो SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर अगर स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट की बात करें, तो SN1 रिएक्शन में रेसेमिक मिक्सचर मिलता है, और SN2 रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन यानी कि उल्टा प्रोडक्ट अपने को देखने को मिलता है। मान लो रिएक्टेंट का विन्यास R है तो प्रोडक्ट का S मिल रहा है, और अगर रिएक्टेंट का विन्यास R है और प्रोडक्ट का 50% R और 50% S है, तो उस कंडीशन में मैकेनिज्म हो गई SN1, और अगर केवल S है तो मैकेनिज्म हो गई SN2। इस तरीके से अपना स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट और काइनेटिक एस्पेक्ट दोनों ही यहाँ पर हो जाते हैं खत्म, और साथ ही साथ इस चैप्टर की भी यहाँ पर हो जाती है एंडिंग। इस चैप्टर को मैंने 5 छोटे छोटे बहुत ही वीडियो लेक्चर्स के अंदर कम्प्लीट किया है। उन 5 वीडियो लेक्चर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जल्दी से चैप्टर को कर लीजिएगा रिवाइज, बिकॉज चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो चैप्टर हमने खत्म किया है, ये हमारा बेसिक मैकेनिज्म था, इसलिए ये 11th, 12th, BSc, MSc सबके लिए इक्वल वेटेज रखने वाला है।
अपने को पता है ऑर्गेनिक रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म अपना पीछा छोड़ दे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो ये तो अपना मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगी। साइंस स्ट्रीम की स्टूडेंट है, 8th क्लास से पढ़ना शुरू कर देते हैं इन सब चीजों को। तो 8, 9, 10 सब लोग ये वीडियोस देखें और इस बेसिक मैकेनिज्म को मेरे साथ में सीखने की कोशिश करें। अब अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं लाइक किया है तो जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, मस्ट वॉच, लाइक, शेयर, कमेंट एंड यस इफ नॉट सब्सक्राइब्ड देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अब हम जल्दी नए लेक्चर नए वीडियो के साथ कुछ ही टाइम में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडी।